गोल 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 पेट पे हाथ में लगा रहा कभी जूम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कार एंड ट्रैवल गुरु। कैसे हो आप लोग? ये हम्पी का नेक्स्ट व्लॉग है। लास्ट व्लॉग में हम लोग बहुत सारे मंदिर और लोकल पॉइंट घूमे थे। आज हम लोग जा रहे हैं सनापुर लेक, जो कि हम्पी से 27 किलोमीटर की दूरी पे है। वैसे एरियल डिस्टेंस बहुत पास में है, पर ये घूम के जाने की वजह से हमें 27 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर ट्रैवल करना पड़ता है। सनापुर लेक जाने के लिए हम्पी से निकलते हुए कमलपुर और अनिगुंडी क्रॉस करके आप जाओगे। हम्पी में आपको खाने के लिए कोई भी नॉनवेज रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। मैक्स टू मैक्स ओनली एग्स आपको मिल सकते हैं। जिसको नॉनवेज खाना है, जो हम्पी ट्रैवल कर रहा है, उसको अनिगुंडी क्रॉस करना पड़ेगा। और अनिगुंडी में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं आपको जहाँ पर नॉनवेज खाने के लिए मिल सकता है। सनापुर लेक की खूबसूरती है कोरेकल राइड। जो भी हम्पी आता है, मैक्सिमम पब्लिक यहाँ पे कोरेकल राइड एंजॉय करने के लिए जाते हैं, और हम भी वही एंजॉय करने के लिए निकले हैं। सनापुर लेक की तरफ बढ़ते हुए आपको इतने सारे खूबसूरत व्यू और नज़ारे दिखेंगे। क्या खूबसूरती है, देखिए। सनापुर लेक तुंगभद्रा डैम के पानी से भरा जाता है। जो हमारे लेफ्ट साइड में वॉल है, ये सनापुर लेक की वॉल है। और ये फाइनली हम लोग पहुंच गए सनापुर लेक। वेलकम टू सनापुर लेक। सनापुर लेक की तरफ एंटर करते ही 200 मीटर के आसपास ये ब्रिज लगता है। यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स खड़े मिलेंगे आपको कोरेकल राइड के लिए। रंगप्पा। ओके, और हम लोग कहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं अभी? सनापुर लेक में बोटिंग कर रहे हैं। इस तरह से इनकी बोट है, देखिए, बहुत अच्छी फैसिलिटी। और अभी आपका ना मोबाइल नंबर बता रहे हैं, आपको कभी भी बोटिंग करनी हो यहाँ पे तो इनसे कांटेक्ट कीजिए। नंबर बताइए। ये रहा इनका नंबर। गोल गोल घुमाने के बाद ना ये छोटू देखो कैसे शांत हो गया। देखो कैसे इसका चेहरा, देखो कैसे डाउन हो रखा है। इसका पेट भी गोल गोल घूमने लगा है, इसका सर भी गोल गोल घूम रहा है।
और सुबह से बोल रहा था कब जाएंगे बोटिंग, कब जाएंगे बोटिंग, कब जाएंगे बोटिंग, और अब बोला चलो पापा बोल के दिखा एक बार, चलो पापा। कैसे कैसे फिर से बस हो गया। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सनापुर लेक बोटिंग में। सनापुर लेक में कोराकल राइड होने के बाद टाइम होता लंच का, बहुत तगड़ी भूख लगी थी। यहाँ से पास में ही अराउंड 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे विस्परिंग रॉक्स करके बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, ये एक्चुअली रिसॉर्ट है। आइए फिर हम चलते खाने के लिए। हम्पी आने के बाद अगर कोई नॉनवेज मिस कर रहा है तो सनापुर लेक की तरफ आने के बाद आप इस रिसॉर्ट में नॉनवेज के साथ साथ वेज भी बहुत खूबसूरत और बहुत बढ़िया मिलता है। आइए एंजॉय कीजिए इस खूबसूरती को। पेट भर के खाना खा लिया, अब चलते हैं अगले सफर पे, बैक टू हम्पी। गाइज मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस में जो भी कमियां है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, या जो भी सजेशन देने हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं अपने वीडियोस को और भी सुधारना चाहता हूँ और अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाना चाहता हूँ। चलो तो गाइज बाय बाय, एंजॉय कीजिए लाइफ को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।